बांग्लादेश बना भारत के लिए बड़ा खतरा, चीन की बातों में आकर हुआ भारत के खिलाफ। अब बांग्लादेश यूएन में कर दिया कुछ ऐसा कि चीन के साथ अब बांग्लादेश पर भी भारत लेगा एक्शन। दोस्तों नमस्कार, दिल से न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट से सभी खबरों को जान लेते हैं। बांग्लादेश जिसे भारत ने 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों से आजाद करवाया, बांग्लादेश भारत का ये कर्ज शायद ही चुका पाए, लेकिन बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद ये देश भारत के एहसानों को भूल गया। भारत ने जो मदद इस देश के लिए की थी उस पर ये पानी फेर रहा है। अगर आप बांग्लादेश के मैप को ठीक से देखेंगे तो इसके बगल में है चीन, यानी विस्तारवाद के सहारे जीने वाला देश, जो किसी देश को कर्ज देकर दो देशों में मनमुटाव करवाता है, फिर उस देश का फायदा उठाता है। अब चीन बांग्लादेश को भड़काने लगा है। अब चीन के कहे अनुसार जो कदम बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उठाया है उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, बांग्लादेश ने भारत के सभी मदद को बुलाकर विश्व के सबसे बड़े संस्था यानी यूएन में भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में समुद्री सीमा को लेकर भारत के साथ दशकों पुराने विवाद को सुलझाया जाए। विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार यूएन मुख्यालय में बांग्लादेश के एक स्थायी मिशन ने भारत के खिलाफ यूएन महासचिव को दो अपील दायर की है। बांग्लादेश के पूर्व विदेश सचिव शाहिदुल हक ने कहा कि ये विवाद दोनों देशों के बीच कई सालों से लटका हुआ है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच दर्जनों द्विपक्षीय बैठक भी हुई है, लेकिन वे इस मुद्दे को हल करने में असफल रहे हैं। हक ने आगे कहा कि अब दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र जाने का फैसला किया है और हमें उम्मीद है कि यूएन इस मसले का स्थायी समाधान निकालने में कामयाब रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश ने यूएन में याचिका दायर करने के साथ ही अपनी भूमिका निभा ली है। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल के महीने में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखकर बांग्लादेश द्वारा निर्धारित की गई बेसलाइन को लेकर विरोध जताया था। वहीं आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक रूप से काफी अहम है, जो बांग्लादेश, भारत और म्यांमार जैसे देशों के बीच विभाजित है। बंगाल की खाड़ी खास तौर पर बांग्लादेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जगह हिल्सा और अन्य मछलियों का मुख्य स्रोत है। तट के पास रहने वाले लाखों लोग बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़कर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। भारत में बनेगा यूएस का मिलिट्री बेस। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद भविष्य में भी अमेरिका अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे आतंकी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तैयारी रखना चाहता है। अमेरिकी प्रशासन इस संबंध में दूसरे देशों में अपना बेस स्टेजिंग एरिया बनाने के लिए बात कर रहा है, ताकि वो जरूरत पड़ने पर अफगानिस्तान में आतंकियों और उनके ठिकानों पर ओवर द होराइजन हमले कर सके। पर क्या भारत में भी अमेरिका ऐसे बेस बनाना चाहता है? क्या भारत सरकार के सामने अमेरिका ने ऐसी कोई मांग रखी है? इस मुद्दे पर जब अमेरिका में विदेश मामले की संसदीय समिति में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने जवाब से चौंका दिया। ब्लिंकन ने खुलकर स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस संभावना से इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भारत से संपर्क में बना हुआ है और स्टेजिंग एरिया और ऐसी किसी भी योजना के बारे में वो समिति के सामने सार्वजनिक जानकारी नहीं दे सकता। अचानक तालिबान की पाकिस्तान के मदरसे में हुई एंट्री। पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित एक मदरसे में लगे तालिबानी झंडे को उतारने पहुंची पुलिस को यहां विरोध का सामना करना पड़ा। यहां मौलाना अब्दुल अजीज और मदरसे के छात्र पुलिस से ही भिड़ गए। इस दौरान वहां कुछ लोगों के हाथ में AK-47 भी नजर आया। यह वाकया इस्लामाबाद के सबसे चर्चित मदरसे जामिया हफ्सा का है। बताया जा रहा है कि जामिया हफ्सा में तालिबान का झंडा फहराया गया था। जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तब पुलिस वालों की एक टीम इस झंडे को उतारने के लिए वहां पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पुलिस को मौलाना अब्दुल अजीज और मदरसे के छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये लोग किसी भी कीमत पर झंडे को उतारने के लिए राजी नहीं थे। खुद मौलाना अब्दुल अजीज पुलिस के सामने खड़े हो गए, जिसके बाद पुलिस टीम झंडे को बिना उतारे ही वापस लौट गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अब्दुल अजीज पुलिसकर्मियों को लताड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में मौलाना पुलिसकर्मियों को खरी खोटी सुना रहे हैं।
इतना ही नहीं, वो दावा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में शरिया कानून लागू करने की उनकी मांग सरकार ने मान ली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तालिबानी झंडा शुक्रवार को मदरसे में फहराया गया था, जिसके बाद शनिवार को पुलिस इसे हटवाने के लिए पहुंची थी, लेकिन विरोध की वजह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मौलाना ने इससे पहले कहा था कि यह झंडा तालिबान को बधाई देने के लिए लगवाया गया था। अफगानिस्तान में फंसे लोगों ने पीएम से लगाई मदद की गुहार, बोले अब खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद आज भी कुछ भारतीय और हिंदू सिख व अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। पीएम मोदी को फंसे लोगों ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वहां फंसे लोगों ने पीएम मोदी से गुहार लगाई है कि उन्हें वहां से जल्द सुरक्षित भारत लाया जाए। वीडियो में वहां फंसे एक व्यक्ति ने कहा कि वो बहुत परेशान में है, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं और अब उनकी वहां कोई नहीं सुन रहा है। उन्होंने गुहार लगाई है उन्हें काबुल से जल्द निकाला जाए। एक अन्य व्यक्ति ने कहा है कि पहले उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उनके पास कमाई का जरिया खत्म हो गया है, इसलिए वे पीएम मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ लोगों का परिवार पंजाब में रहता है, लेकिन वे खुद अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। वीडियो से साफ है कि वहां बुजुर्ग महिलाएं और बीमार व्यक्ति भी भारत आने के इंतजार में हैं। बीमार लोगों के पास अब दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ड्रोन हमले पर गुस्साए अफगानी लोग, बोले अमेरिका की माफी मंजूर नहीं, दोषियों को होगी सजा। अमेरिका के ड्रोन हमले में बच गए अफगानिस्तान के लोगों ने कहा है कि इस मामले में माफी मांगा जाना काफी नहीं है, जांच कर दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। इस हमले में 7 बच्चों सहित उनके परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे। एमल अहमदी की 3 साल की बेटी मलिका की 29 अगस्त को तब मौत हो गई थी, जब अमेरिकी हेलफायर मिसाइल उनके बड़े भाई की कार से टकरा गई थी। अहमदी ने मीडिया को बताया कि परिवार इस मामले में अमेरिका से इस बारे में जांच की मांग करता है कि ड्रोन किसने दागा, और उन्होंने हमले के लिए जिम्मेदार सैन्य कर्मियों को दंडित करने की मांग की है। उन्होंने कहा, हमारे लिए केवल खेद जताना काफी नहीं है, अमेरिका को उन लोगों को पता लगाना होगा जिन्होंने ये हमला किया है। अहमदी ने कहा कि परिवार अपने नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजे की भी मांग कर रहा है। अहमदी की मांग है कि परिवार के कई सदस्यों को किसी तीसरे देश में भेजा जाए और उस देश का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाए। अमेरिका की सेना ने माना है कि अफगानिस्तान से उसके सैनिकों की वापसी से कुछ दिन पहले एक जानलेवा ड्रोन हमला उसकी भयावह गलती थी, क्योंकि इससे ISIS के आतंकवादियों की बजाय 7 बच्चों समेत 10 बेगुनाह अफगान नागरिक की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही आप आगे किस टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर लिखिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक, दिल से निश्चित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारे स्पेशल रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते एक और विस्फोटक खबर के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। जय हिंद।